हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास षष्ठम विषय संस्कृत दर्शिका पार्ट एक संस्कृत वर्णमाला। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता आपको पार्ट एक संस्कृत वर्णमाला वो पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत वर्णमाला के बारे में बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं। कोई भी हम किसी भी विषय को शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो अब जब हम संस्कृत वर्णमाला संस्कृत के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि वर्ण संस्कृत बनी किससे है। तो वर्णों से बनी है। तो वर्ण क्या है, किसे कहते हैं वर्ण। तो वर्ण है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके। क्या कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अ आ क ख आदि। अब वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब एक क्रम में लगे हुए, यानी आगे पीछे हो जाए ऐसे नहीं, एक क्रम में सीक्वेंस में लगे हुए समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्णों के भेद, वर्णों के भेद कौन कौन से हैं। संस्कृत भाषा में वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। इसके वर्ण के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से हैं आपके, स्वर व्यंजन और अयोगवाह। अब इसमें स्वर किसे कहते हैं, क्या होते हैं स्वर। ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। कौन से होते हैं स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, मतलब किसी और अन्य वर्ण की जिसमें सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में निम्नलिखित स्वर हैं। अब निम्नलिखित तो कौन से स्वर हैं वो हमारे, ये देखिए इसमें है आपके ए आ ई ई ऊ री री ए आई ओ औ। ये हमारे क्या है, स्वर है जिनसे हमारी सारे क्या चलती है, ये संस्कृत की शुरुआत हुई है। अब आगे आपको इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।